नमस्कार दोस्तों, हर ओलंपिक में कुछ डोपिंग के केसेस सामने आ ही जाता है। तो डोपिंग क्या है, एथलीट डोपिंग कैसे करता है, क्यों करता है और डोपिंग कैसे पकड़ी जाती है और रशिया को टोक्यो ओलंपिक से बैन क्यों किया गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एथलीट्स जब नेचुरल वे में ताकत बढ़ाता है, अपना स्टेमिना बढ़ाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी दिन में 10 गिलास दूध पीता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिन भर जिम कर लीजिए अपना स्टेमिना, अपना बॉडी फिटनेस बढ़ाने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आर्टिफिशियली हार्मोन थेरेपी या फिर स्टेरॉइड यूज़ किया जाता है, उसको डोपिंग कहते हैं। अब एथलीट्स डोपिंग क्यों करता है, देखिए, ये है टोक्यो ओलंपिक्स के 100 मीटर रेस के फाइनल राउंड। ये है विनर, ये रनर अप और ये ब्रोंज मेडलिस्ट। इनका 100 मीटर में टाइम लगा 9.8 सेकंड, ठीक है, और जिसका सेकंड प्लेस है उसका टाइम लगा 9.84 सेकंड। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड प्राइज में डिफरेंस है 0.04 सेकंड का, मतलब टाइमिंग डिफरेंस एक सेकंड का बस 4% है। अब सोचिए, अगर ये डोपिंग करता तो ये जो 0.04 सेकंड का फासला है शायद ये कवर कर लेता। देखिए, डोपिंग का हजारों तरीका है, एक पेन किलर भी डोपिंग का काम कर सकता है। इस रेस में आप देखेंगे, आप अगर 2 मिनट दौड़ेंगे तो आपके पैर में दर्द होगा। अगर आप पेन किलर ले लेंगे तो वो दर्द आपको महसूस नहीं होगा। अगर आप रेस के पहले पेन किलर ले लेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, तो आप ज़्यादा दौड़ पाएंगे। इसलिए पेन किलर बैंड है, आप अगर पेन किलर ले लेंगे तो उसको डोपिंग माना जाएगा। देखिए, बहुत एथलीट्स हार्मोन थेरेपी लेता है। टेस्टोस्टेरोन मर्द के शरीर में होता है और टेस्टोस्टेरोन मसल पावर बढ़ाता है। तो अगर कोई एथलीट अपने शरीर में इंजेक्शन के माध्यम में टेस्टोस्टेरोन इंटेक लेता है तो कुछ समय के लिए उसके मसल पावर बहुत बढ़ जाएगा और 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, स्विमिंग, बाइसाइकिलिंग, ऐसे स्पोर्ट्स में उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जरूरी नहीं कि हर स्पोर्ट्स में ताकत लगता हो। ऐसे राइफल शूटिंग इवेंट में जो मेन चैलेंज होता है वो है ये जो हाथ है इसको स्टेडी रखना। अगर इसका हाथ 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो गया तो गोली चलाएगा, लंदन में जाएगा, दिल्ली में। इसलिए हाथ को स्टेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों के हाई ब्लड प्रेशर रहता है, डॉक्टर जो दवा देता है वो क्या करता है, हार्ट बीट को कम कर देता है और ब्लड प्रेशर को भी लो कर देता है। तो शूटिंग जैसे इवेंट में अगर ये शूटर हाई ब्लड प्रेशर का दवाई ले लेगा तो क्या होगा, इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इसका हार्ट बीट कम हो जाएगा। अब जब हार्ट बीट कम हो जाता है तो हाथ स्टेडी हो जाता है। अब देखेंगे, जब आप गुस्सा हो जाता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है तो आप कांपने लगते हैं, और हार्ट बीट कम हो जाने से बॉडी स्टेडी हो जाता है, एज ए रिजल्ट हाथ भी स्टेडी हो जाता है। तो इन लोगों को इसमें फ़ायदा मिलता है, इसलिए ये दवाई शूटिंग में बैंड है। ऐसा नहीं कि ये दवाई कोई ड्रग हो, कोई बुरी चीज़ हो, लेकिन इस दवाई को शूटिंग में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये दवाई बैंड है। देखिए, डोपिंग कमरन अकमल को महेंद्र सिंह धोनी कभी नहीं बना पाएगा, लेकिन रोहित शर्मा को विराट कोहली जरूर बना सकता है। ओलंपिक्स में 1968 पे पहली बार डोपिंग पकड़ा गया और वो है हांस गुमर लेजनवाल। इन्होंने क्या किया था, 2 बोतल बियर पी लिया था। ये 1968 के केस है, तो बाद में पता चला कि बियर पीने से हैंड स्टेडी हो जाता है और उस पर शूटिंग के इवेंट पे एडवांटेज मिलता है, इसलिए इसको बैन किया गया। सबसे बड़े केस शायद लैंस आर्मस्ट्रांग के है। ये एक अमेरिकन बाइसाइकिलिस्ट है। इन्होंने 7 बार टूर द फ्रांस के रेस जीता था। टूर द फ्रांस रेस साइकिलिंग में सबसे कठिन इवेंट है और उसमें पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो उसमें इन्होंने 7 बार चैंपियन हो गए, तो इसलिए शक हुआ और इन पे एलिगेशन लगा कि ये डोपिंग कर रहा था। लेकिन इन्होंने ये एलिगेशन नहीं माना, फिर बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं डोपिंग कर रहा था। इन्होंने टेस्टोस्टेरोन का थेरेपी लिया था जिसमें मसल बढ़ता है और स्टेमिना बढ़ता है, जो साइकिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मारिया शरापोवा भी डोपिंग केसेस में फंस चुके हैं। और फिर आते हैं फेमस मराडोना, जिन्होंने एफिड्राइन ड्रग लिया था और ये ड्रग स्टेमिना और परफॉर्मेंस एनहेंस करता है। फिर शेन वॉर्न ने मॉडरेटिक ड्रग लिया था, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है ये दवाई दी जाती है। लेकिन इन्होंने ये दवाई इसलिए लिया था ताकि असली जो ड्रग है उसका कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कम हो जाए और वो ड्रग टेस्ट में नहीं पकड़े जाए। ये है कनाडा के बेन जनसन, जिनको 100 मीटर रेस में गोल्ड मिला था ओलंपिक में। बाद में पता चला कि ये स्टैंजोहॉल करके एक ड्रग लेता था जिसमें स्टेमिना और मसल पावर बढ़ता था। फिर अमेरिका के फेमस एथलीट मेरियन जोन्स ने भी स्टेरॉयड लिया था और ये बकलोल सोएब अख्तर भी स्टेरॉयड ले रहा था। इन सभी का एक ही मकसद था कि अपना परफॉर्मेंस एनहेंस करे, लेकिन ये इल्लीगल तरीका है। हर साल ओलंपिक के पहले ड्रग का एक लिस्ट दिया जाता है जिनको एथलीट्स नहीं ले सकते, अदरवाइज वो डोपिंग केस में फंस जाएंगे। 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाया गया, इसको कहते हैं वाडा। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहा है वहाँ ये निश्चित करना कि कोई भी एथलीट ड्रग नहीं ले रहा है, डोप नहीं कर रहा है।
हर देश का एक एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, जैसे इंडिया का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, और हर देश की एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अंडर में काम करते हैं। देखिए, ओलंपिक्स में या फिर कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग्स इवेंट्स में कभी भी डोपिंग टेस्ट हो सकता है। डोपिंग टेस्ट कैसे होता है? जो एथलीट्स है उसके यूरिन सैंपल या फिर ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है और बाद में उसका केमिकल एनालिसिस होता है। तो अगर कोई एथलीट कोई ड्रग ले रहा है उस केमिकल एनालिसिस में पकड़े जाएंगे। जब यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है तब पुरुष एथलीट के लिए एक पुरुष ऑफिसर और महिला एथलीट के लिए एक महिला ऑफिसर रहता है, ये इंश्योर करने के लिए कि उसका ही ओरिजिनल यूरिन वो दे रहा है। और बाद में ये यूरिन सैंपल लैब में जाता है जहां इसकी केमिकल एनालिसिस होती है ड्रग टेस्ट के लिए। 2014 के सोची ओलंपिक्स में जो रशिया में हुआ था उस पर रशिया के अगेंस्ट में एलिगेशन था कि रशिया के 99% एथलीट्स डोपिंग में शामिल थे, और ये जो एलिगेशन ये रशिया के अंदर से आया था। रशिया के एक एथलीट और उसके हस्बैंड जो रशिया की एंटी डोपिंग एजेंसी रूसाडा में काम करते हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि रशिया की गवर्नमेंट उस डोपिंग में शामिल था। देखिए, किसी देश की जब एक दो एथलीट डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आप बैन कर सकते हैं, लेकिन जब एक देश की मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स डोपिंग में शामिल हो जाता है तब उस देश को बैन करना पड़ता है। और इसलिए 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में रशिया को बैन किया गया। देखिए, ये है पीवी सिंधु, इंडिया का प्लेयर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ओलंपिक में, और इसके जर्सी में इंडिया लिखा हुआ है। लेकिन जो एथलीट्स रशिया से है टोक्यो ओलंपिक्स में उसके जर्सी में ROC लिखा हुआ है। हालांकि ये रशिया से है लेकिन ये रशिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि रशिया को टोक्यो ओलंपिक से बैन किया गया है, इसलिए इसके जर्सी में ROC लिखा हुआ है। ये ROC का मतलब रशियन ओलंपिक कमेटी, ये रशियन ओलंपिक कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रशिया देश को नहीं। देखिए, इसके टी शर्ट पे ये लोगो है, ये रशिया का फ्लैग नहीं है, रशिया का नाम भी नहीं है, ये रशियन ओलंपिक कमेटी की लोगो है। ओलंपिक में जब कोई प्लेयर मेडल जीतते हैं उसके सर के ऊपर उसके देश के फ्लैग होता है। यहाँ देखिए, रशिया गोल्ड जीता है लेकिन यहाँ रशिया का फ्लैग नहीं है, ये रशियन ओलंपिक कमेटी का फ्लैग है, और ये रशिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इसलिए रशिया का नेशनल एंथम भी नहीं बजेगा।